Yes, great. Yeah, so this कुछ सितारे ऐसे होते हैं जो अपनी रोशनी से चमकते हैं और हम जो है पराई रोशनी से, और ये रोशनी कुछ नहीं है, अब जब आपके चेहरे पे रोशनी आएगी तो वो हम पे रिफ्लेक्ट होगी। तो सांस का साज दे रहा हूं तुम्हें, दिल के कुछ राज दे रहा हूं तुम्हें, ये गजल गीत सब बहाने हैं, मैं तो आवाज दे रहा हूं तुम्हें। तो मैं आभारी हूं धीरेन जी का, डॉक्टर धीरेन भूज का, आज के इस अवसर की आन बान और शान बढ़ाने के लिए उन्होंने जो भी इंतजाम किया है वो बढ़िया है, वंडरफुल है। पर मैं यही कहना चाहूँगा कि शोभा न नुमाइश से ना कोई खजाने से, शोभा न नुमाइश से ना कोई खजाने से, ना रोशनी करने या फूलों के सजाने से, बेजान ये चीज़ें क्या अवसर को सजाएगी, जान आई है महफिल में बस आपके आने से। और गुजराती दोस्तों के लिए मैं कहूँगा, मेरे क्या आँखों में उमड़ को छे हैया में खुशहाली छे, क्या आँखों में उमड़ को छे हैया में खुशहाली छे, कई आजना दिवसनी शोभाज निराड़ी छे, ने आव्या छो तमे आजे तो लागे छे मने एवू के आजे ज छे होळी ने आजे ज दिवाळी छे। ट्रांसलेशन वो छुटका जैसा ही था कुछ। तो मुझे बेहद खुशी है कि मुझे आज आपकी महफिल में उपस्थित होने का मौका मिला है। आज की इस शाम को हम दो हिस्सों में, दो सेशंस में एंजॉय करेंगे। पहला हिस्सा हिंदी में रहेगा, किशोर कुमार के विषय पर केंद्रित रहेगा, किशोर कुमार के मनचले मस्ती भरे गीत और किशोर कुमार के जीवन के कुछ रसीले किस्से और कहानियों के साथ कुछ गाने भी हम सुनेंगे, थोड़ा वीडियो प्रेजेंटेशन भी रहेगा। और चूंकि मैं गुजराती हास्यकार और कवि हूँ, दूसरा हिस्सा आफ्टर डिनर, अगर आप होंगे तो मैं होऊंगा, यहाँ पर रहूँगा, और दूसरा जो हिस्सा रहेगा वो गुजराती हास्य और गुजराती साहित्य को समर्पित रहेगा, उसमें कुछ ह्यूमर और कुछ गजलें मैं सुनाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, वक्त बहुत ख़राब बीता पिछले बीते हुए दो सालों में, कोरोना भुजंगासन पर रहा, हमारा सबका मूड शीर्षासन पर रहा, मंदी और मांदगी सिंहासन पर रही, सारी दुनिया सिर्फ आश्वासन पर रही, ऐसे समय में आप सबको हृदय के आसन पर बिठाकर साहित्य और संगीत की यात्रा कराने का ये जो मौका मुझे, ये जो अवसर मुझे मिला है, ये मेरी खुशनसीबी है। मेरी उम्र 45 साल की है, पिछले 10 सालों से मैं 45 सालों का हूँ, और मुझे यहाँ पैनोरमिक व्यू भी दिखाई दे रहा है आपका। स्टेज पर बैठने का एक फ़ायदा ये रहता है कि आप ऊपर से एक बर्ड्स आई व्यू भी देख सकते हो। तो यहाँ पे काफ़ी सारे ओजस्वी और तेजस्वी लोग बैठे हुए हैं। ओजस्वी का मतलब होता है सफ़ेद बाल वाले, और तेजस्वी का मतलब होता है, पर उम्र कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि आज हमको किशोर कुमार को सुनना है, इसलिए हम सब किशोर वय में प्रवेश करेंगे। अगर हम मन से दिल से किशोर वय में प्रवेश करेंगे तभी। वैसे मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, पीडियाट्रिशियन हूँ, डॉक्टर धीरेन बुच एक डॉक्टर है, पर आने वाले 2 घंटे तक आपके दुख दर्द दूर करने का काम डॉक्टर किशोर कुमार करेंगे। तो आज की इस सुहानी शाम के बारे में खुद किशोर कुमार क्या कहते हैं, देखते हैं। वॉल्यूम जो ऊपर चल किशोर कुमार भारतीय फिल्मों के ऐसे लेजेंडरी सीमा स्तंभ है जिनके बगैर भारतीय संगीत की बात नहीं हो सकती। वैसे भी भारतीय संगीत हम सब भारतीयों के लिए एक नायाब विरासत है। भारत में उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, कहीं भी जाइए, दुनिया के किसी भी कोने में जहां हम इंडियंस का बसेरा हो,
वहाँ किशोर कुमार जैसे कलाकारों के गाने हम अपरिचित भारतीयों को भी एक दूसरे से जोड़ देते हैं. दे आर आवर ग्लोबल आइकन्स. ये हमारी साझा दौलत है जो देश विदेश में भी हम भारतीयों को जोड़ के रखती है. तो गायकी के जादूगर, कलाकारी के कीमियागर, अदाकारी के, अदायगी के काबिल कस्बी, वन एंड ओनली किशोर कुमार के साथ आज हमारी मुलाकात है. अगर आप में से किसी भाग्यशाली ने किशोर कुमार को लाइव देखा होगा, किसी ने देखा है लाइव? यस, देयर आर सो मेनी ऑफ देम, फोर और फाइव ऑफ देम. तो आप सबको याद होगा कि उनकी एंट्री कैसे रहती थी शोज जब करते थे लाइव. अगर आपने नहीं देखा है तो चलो देख लेते हैं. प्यारे बंधु, संगीत प्रेमियों, मेरे नाना नानियों, मेरे दादा दादियों, ओ मेरे काका काकियों, मेरे मामा मामियों, ओ मेरे बच्चे बच्चियों, मेरे यारो यारियों, आप सबको किशोर कुमार का सपरे नमस्कार. तो भारत 1947 में आजाद हुआ, आज उसे 75 साल हुए और किशोर कुमार की आवाज पहली बार फिल्मों में गूंजी थी 1948 में. इस बात को भी 74 साल हो गए. पिछले 74 सालों से अविरत अविराम गूंजता हुआ किशोर कुमार का यह अभ्यनमून स्वर 1948 के बाद हिंदुस्तान की फजाओं में सांस लेने वाले या हिंदुस्तान को आपकी तरह अपनी स्मृतियों में जीवित रखने वाले आप जैसे हर एक शख्स की यादों का अमीट अंश है. मुझे लगता है कि अगर संगीत का दुश्मन औरंगजेब भी, अगर उसने इस दौर में जन्म लिया होता तो वो औरंगजेब ना होता और वो इना मीना और डीका की धुन पर वो भी रम पम पोस करता. हम अगर बॉलीवुड के उनके पहले 5 सालों की बात करें 1948 से 53 तक, तो वो रफ़ी साहब का युग था, तलत महमूद का, मुकेश का, मन्ना डे का युग था. सफलता मिलना बड़ा मुश्किल था. बड़ी मुश्किल से 5 साल के बाद किशोर कुमार को सफलता मिली. पहला गाना 5 साल के बाद उनका फेमस गाना आया. फरेब फिल्म का ये गाना पहले सुन लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं. इस फर्स्ट पॉपुलर सॉन्ग दूर दुनिया से कोई नहीं है, जहां मिल रहे हैं वहां पर जमीन आसमां, मिल रहे हैं वहां पर जमीन आसमां, छुप के दुनिया से फिर क्यों न मिल जाए हम, इस जमीन से अलग आसमानों से दूर मोहब्बत की बस्ती बसाए. तो ये उनका पहला गाना नहीं था. आइए जानने की कोशिश करते हैं कि किशोर कुमार को बॉलीवुड में ब्रेक कैसे मिला. किशोर कुमार का पहला वॉइस टेस्ट किसी स्टूडियो में नहीं बल्कि बाथरूम में हुआ था. जी हाँ, बाथरूम सिंगिंग भी आपको ब्रेक दिला सकता है अगर आपके बड़े भाई का नाम अशोक कुमार हो. हुआ ऐसा कि 1946 में उनकी उम्र थी 17 साल किशोर कुमार की, एस डे बर्मन किसी फिल्म के संगीत के सेशन के लिए अशोक कुमार के घर पर आए हुए थे. जब काम पूरा होने पर एस डे निकलने लगे तो लगभग साइगल की सी आवाज सुनाई दी. अब साइगल तो उस वक्त बीमार थे, अपनी मृत्यु शैया पर थे और अपने आखिरी दिन गिन रहे थे. एसटी ने देखा कि ये साइगल की आवाज तो बाथरूम के अंदर से आ रही थी. 17 साल के किशोर कुमार जो अपने भाई के घर वेकेशन पर आए थे, वो नहा रहे थे और नहाते नहाते साइगल का कोई गाना गा रहे थे. किशोर कुमार को गाने की क्रिया बाथरूम में ही करनी पड़ती क्योंकि बड़े भाई को उनकी आवाज कतई पसंद नहीं थी. लेकिन एस डी बर्मन पर इस आवाज का कुछ ऐसा असर हुआ कि जब तक किशोर कुमार नहाकर निकले नहीं, वो वहीं पे बाथरूम के दरवाजे पर बैठे रहे. एस डी ने तुरंत 8 दिन नाम की फिल्म में किशोर कुमार से 2-3 लाइनें गवाई. तो ये रहा उनका पहला गाना. पहली बार सचिंदा ने मुझसे गवाया फिल्म 8 दिन में. पूरा गाना नहीं था, 2-3 लाइनें थी. वो गाना था, अरे बाका सिपहिया बाका सिपहिया बाका सिपहिया घर जई हो घर जई हो. तो खैर ये तो खेल खेल में मिला हुआ ब्रेक था. ये गाना किसी के ध्यान में नहीं आया और फिर भी वो अभ्यास छोड़कर मुंबई आ गए. किशोर कुमार को अपना पहला सोलो गाना 2 साल की प्रतीक्षा के बाद मिला.
19 साल के किशोर कुमार ने 25 साल के एक नए उभरते हुए स्टार के लिए गाना गाया. कैन यू इमेजिन हु कुड बी दैट स्टार फॉर हिम. किशोर कुमार संग हिज फर्स्ट सॉन्ग 1948. नॉट धर्मेंद्र. नो. यस देवानंद. तो संगीतकार थे खेमचंद प्रकाश. फिल्म थी जिद्दी और ये उनका पहला सोलो था. जो आग लगाई तुमने उसको तो बुझाया अशकों ने, जो आशकों ने भड़काई है उस आग को ठंडा कौन करे कौन करे. मरने की दुआएं क्यों मांगू, जीने की तमन्ना कौन करे कौन करे. तो आपने महसूस किया होगा कि गाने के कुछ हिस्सों में किशोर कुमार की गायकी पर साइगल का असर दिखाई पड़ता है. किशोर कुमार केएल साइगल को अपना पहला गुरु मानते हैं. हैरत की बात यह है कि लता जी साइगल से शादी करना चाहती थी जब छोटी बच्ची थी. रफ़ी एक बार गाना गाना चाहते थे जिंदगी में एक बार. मुकेश भी एक बार उनके साथ गाना गाना चाहते थे. सबके गुरु थे. तो अब तक मैंने जो सुना है आपको लगा होगा कि ये तो रेयर गाने हैं, ये तो हमें पता भी नहीं थे. आपको लग रहा होगा कि जो गाने हमारे दिल में बसे हैं और जो गाने आपके होठों पर आने के लिए मचल रहे हैं वो मैं कब सुनाऊंगा. खास करके जब आज हमारे साथ डॉक्टर धीरेन बुच जैसे वर्सेटाइल सिंगर मौजूद हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उनकी आवाज़ का सहारा लेकर महफिल को चार चांद लगाया जाए. तो करेंगे यूं कि मैं किशोर कुमार की स्टोरी सुनाता रहूँगा और डॉक्टर धीरेन कुछ कुछ गाने बीच बीच में सुनाते जाएंगे. अगर आपकी तालियों का एक बार जोरदार साथ मिल जाए तो मैं निमंत्रण देना चाहूँगा डॉक्टर धीरेन बुच को. इनको कुदरत ने एक अजब सा कॉम्बिनेशन देकर हमारे बीच भेजा है. उनको भगवान ने ऊपर वाले ने एनेस्थेटिक स्किल भी दी है और एस्थेटिक स्किल भी दी है. और आमतौर पे वो अपने दर्दियों को क्लोरोफॉर्म से बेहोश करते होंगे. हाँ, लेकिन अपने श्रोताओं को अपने परफॉर्मेंस से मदहोश करते हैं. तो आइए पहला गाना. किशोर कुमार के निधन को 35 साल हो गए लेकिन आज वो हमारे दिल से दूर नहीं है. हम ये भी कह सकते हैं जैसे धर्मेंद्र ने राखी से कहा था ब्लैकमेल फिल्म में कि पल पल दिल के पास तुम रहते हो. थैंक यू रईस भाई फॉर गिविंग सच ए गुड इंट्रोडक्शन. अब आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं है ना कुछ अगर मैं इसमें थाई तो माफ कर ही दीजो नहीं तो थाई दे कर ही लीजो. पर मोस्ट ऑफ द टाइम those who have problem when they go home and eat two more chapatis and they are fine. Dinen awaaz achhi nahi aa rahi lekin ye ko bo aa raha hai gaayenge to sahi ho jayega. Pal pal dil ke हो पल पल दिल के पास तुम रहती हो. जीवन मीठ प्यार ये कहती हो. पल पल हर शाम आँखों पर तेरा चल लहराए हर रात यादों की बारात ले आए. मैं सांस लेता हूँ तेरी खुशबू
एक महका महका सा पैगाम लाती है, मेरे दिल की धड़कन भी तेरे गीत गाती है। पल पल दिल के पास तुम रहती हो, जीवन आपने क्या सुना, मुझे तो ऐसा सुनाई दिया कि जल पा दिल के पास तुम रहती हो। तो किशोर कुमार का जन्म 4 अगस्त 1929 को मध्य प्रदेश के खंडवा में हुआ था। उनके पिताजी कुंजालाल गांगुली एडवोकेट थे और किशोर कुमार का असली नाम किशोर कुमार नहीं था। कोई बताएगा क्या नाम था इनका? खंडवे वाले तो सरनेम हो गया, नाम था आभास कुमार, उनका असली नाम था आभास। कहा जाता है कि किशोर कुमार की आवाज बचपन में अच्छी नहीं थी, उनके गले से इनके जैसी अच्छी नहीं थी, उनके गले से दोहरी और डबल से आवाज निकलती थी, कभी सही निकलती तो कभी फटी सी आवाज निकलती। तो किशोर कुमार की आवाज सही कैसे हुई और कब हुई, एक किस्सा है इस विषय में। अब सबको पता होगा कि हमारे देश में अचार बनाने के लिए आम काटने का एक सूढ़ा होता है, एक छुरा होता है। तो बचपन में खेल खेल में किशोर कुमार का पैर उस सूढ़े की धार पर गिर गया और उससे उनकी उंगली कट गई। उंगली करीब करीब कट ही गई थी, उस समय खंडवा में अच्छे डॉक्टर थे नहीं, उंगली लगभग कट चुकी थी, कोई पेन मैनेजमेंट वाला डॉक्टर भी नहीं था वहां पे धर्मेश की धरा। तो बालक किशोर कुमार को बहुत दर्द हो रहा था, बेचारे 3-4 दिन तक गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला कर रोते रहे और कहा जाता है कि इस रोने की वजह से उनके वोकल कॉर्ड्स खुल गए। अब इस बात की सच्चाई पर विश्वास न करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि ये बात उनके बड़े भाई अशोक कुमार ने खुद कही थी। अब ये दोनों भाइयों के बीच खट्टा मीठा संबंध था, दोनों ही वकील के जो बेटे थे। आइए छोटे भाई की भी गवाही सुन लेते थे। हमारे ब्रदर ने हमको डिस्करेज किया कि देख तेरी आवाज में मॉड्यूलेशन नहीं है। अब वो क्या गाते थे तो तुम जानती हो, मैं बन का भंजी बन के संग संग ढोलू रे। अब मैं चुप चुप रहता था, मैंने कहा ठीक है भाई तुम बड़े भाई हो, मैं क्या बोलूं, कुछ बोल तो सकता नहीं। तो किशोर कुमार और अशोक कुमार के बीच 18 साल का अंतर था। दोनों के स्वभाव में उत्तर और दक्षिण जैसा था, यहां तक कि अशोक कुमार की जन्म तारीख थी 13 अक्टूबर और 13 अक्टूबर किशोर कुमार की मृत्यु तिथि है। उनके पिता को शौक था कि उनके घर जो भी मेहमान आते हैं उसके सामने किशोर कुमार को गाना गाने के लिए बोलते, जैसे हम सबसे प्रदर्शन करवाया जाता था। तो इस नन्हे से किशोर कुमार इस काम के लिए अपने पापा से या मेहमान से पैसे मांगते, पैसा मिलने पर ही वो गाना गाते थे, मतलब बचपन से ही प्रोफेशनल थे। और अगर किशोर कुमार का गाना गाना होता तो उनका भाव रहता, उनका रेट रहता 25 पैसा, और अगर साइगल का गाना गाना हुआ तो 1 रुपया। यानी उन्हें इस बात का भी पूरा अंदाजा था कि किसका क्या रेट होना चाहिए, उनको पता था कि असली रुपया कौन है और कौन चिल्लर है। अब जीवन नैया फिल्म में अशोक कुमार का गाया हुआ एक गाना था। अशोक कुमार को खुद पर गर्व था कि उन्होंने इस गाने को बहुत अच्छी तरह से गाया है, बहुत अच्छी तरह से निभाया है। और जब भी किशोर कुमार उस गीत को गाने की चेष्टा करते, कोशिश करते, तो अशोक कुमार उनसे कहते कि ये 14 मात्रा का आड़ा चौताल है, ये गीत मेरी तरह गाना तुम्हारे बस की बात नहीं है, तू गायक बनने का ख्वाब मत देखा कर, कम से कम ये गाना मत गा और कम से कम मेरे सामने मत गा। तो जिस गाने की हम बात कर रहे हैं, आइए पहले उसे अशोक कुमार की आवाज में सुन लेते हैं। तो ये 1936 की फिल्म का गाना है, ये कोई प्रैक्टिस का गाया हुआ नहीं, ये ओरिजिनल गाना है। तो ये सुनकर लगता है ना कि अशोक कुमार का पैर भी किसी बड़े छुरे पर, नारियल छिलने वाले छुरे पर अगर गिरा होता तो उनकी आवाज भी खुल जाती। खैर, जैसे आप सब समझ चुके हो, इस गीत को किशोर कुमार ने बाद में रीमेक किया, उसे रिफाइन किया और झुमरू नाम की फिल्म में ये गाना उन्होंने गाया।
तो आज डॉक्टर धीरेन बुद्ध से मैं गुजारिश करूंगा, या तो आप अशोक कुमार की तरह गा सकते हो और या तो आप अपनी तरह से गा सकते हो। उसको भी पता है कि 25 सेंट्स लेने हैं, 75 सेंट्स रुपया रुपया लेना है। अब तो हाँ जी, उनका पैर जलपान नाम के छुरे पर पड़ा था और रोज पड़ता है। वो तो कटारी है, कटारी। इसलिए वो अच्छा गाता है। आवाज की धार निकल आई। इंदौर हॉस्टल में रहते थे। किशोर कुमार ने शास्त्रीय संगीत की कोई तालीम नहीं ली थी। उनके अभ्यास में एक माल्थुसियन थियरी आती, कॉमर्स जो पढ़ते थे, इकोनॉमिक्स पढ़ते थे, तो उसको याद रखने के लिए वो मालकोस राग में गाते थे। इतना ही था उनका रियाज। जब उन्होंने इंदौर का कॉलेज छोड़ा, तब किशोर कुमार को कॉलेज के कैंटीन वाले से कुछ पैसे देने बाकी थे उनको, तो उस रकम को कैंटीन वाला जो है वो बार बार मांगता था। तो उधारी की रकम कितनी थी? 5 रुपया 12 आना। उन्होंने ये बात याद रखी और आगे जाके, जैसा आप सब जानते हो, एक गीत में गाकर सुना दी। तो किशोर कुमार और उनके मझले भाई अनूप कुमार दोनों भाइयों को गाने का बड़ा शौक था। अशोक कुमार को लगता कि एक घर में 3 भाइयों में से सिर्फ एक ही टैलेंटेड हो सकता है, इसलिए किशोर और अनूप को यू आर अ पेयर ऑफ डोंकीज कहकर वो बुलाते थे। और किशोर और अनूप कुमार का आपस में व्यवहार भी करीब करीब ऐसा ही रहता था, जिससे कि ये वाक्य सार्थक हो जाए। तो उन दिनों अनूप कुमार भी गायक बनना चाहते थे। वो अपनी गायकी को विकसित करने के लिए अपने पॉकेट मनी से अमेरिकन काउंटी सिंगर जिमी रॉजर्स की रिकॉर्ड लेके आए थे और रोज उसे सुनते और उसके साथ साथ गाने का प्रयास करते। इस अमूल्य रिकॉर्ड को किसी को छूने नहीं देते थे, खासतौर पर किशोर कुमार को। तो एक दिन अनूप कुमार बाहर गए थे, जब घर आए तो जिमी रॉजर्स की योडलिंग सुनाई दी। अनूप कुमार को गुस्सा आया कि किशोर कुमार ने मेरे रिकॉर्ड को हाथ लगाया। अनूप कुमार ने देखा तो रिकॉर्ड तो बंद जैकेट में थी, बंद कवर में थी, रिकॉर्ड प्लेयर पर था ही नहीं।
किशोर कुमार बाथरूम में गा रहा था। तो ये योडलिंग की गंगा किशोर कुमार के गले तक कौन सी गंगोत्री से आई, आइए वो सुनते हैं। जिमी रॉजर्स He's in the jailhouse now. I told him over again to quit drinking whiskey, lay off of that gin. He's in the jailhouse now. किशोर कुमार ने अपनी गायकी में इस जिमी रॉजर्स की सीधी नकल कभी नहीं की, उन्होंने अपने अनूठे तरीके से भारतीय संगीत के अनुरूप उसे नया रूप दिया। किशोर कुमार ने पहली बार 1950 में मुकद्दर नाम की फिल्म में 21 साल की उम्र में इस योडलिंग की नकल की थी, कॉपी की थी। अनपेली नार प्रीत ये निभाना भूल न जाना चोरी चोरी ओ गोरिया नाना ओडले क्यूडले ओडले ओडले योडले। तो दिस वाज फर्स्ट योडलिंग इन इंडियन मूवीज और वो जिमी रॉजर्स से आई थी। तो जुमरू फिल्म में कुछ गाने उन्होंने लिखे भी और संगीत भी खुद दिया, और खुला मैदान जो मिल गया तो अपनी योडलिंग की कला को जुमरू फिल्म में, जुमरू का जो टाइटल सॉन्ग है उसमें वो इस हाइट पे ले गए कि ओरिजिनल से भी कहीं आगे निकल गए। किशोर कुमार को कॉमेडी की, सहज हास्य की कुदरती देन थी। ऊपर से देखने में वो सनकी क्रेजी दिखते थे, लेकिन किशोर कुमार बहुत सोच के गाते थे। किसी भी सिचुएशन में एक साथ संगीत, अभिनय, नृत्य और कॉमेडी का कॉम्बिनेशन कैसा होना चाहिए ये उन्हें पता रहता था। ये सिर्फ सिंगर नहीं, परफॉर्मर भी थे, क्रिएटर भी थे। ऑन स्क्रीन विजुअल कैसा होना चाहिए या कैसा हो सकता है वो प्लेबैक सिंगिंग के टाइम पर सोच सकते थे, इसलिए गीत से जुड़े हर एक पहलू में उनका योगदान रहता। अगर ये बात मैं आपको कहकर समझाऊं, इससे बेहतर है कि आप ये गाना देखें, मिस मैरी का। पहले किशोर कुमार ने प्लेबैक दिया है और बाद में ये गाना शूट हुआ है, तो कैसा इमेजिन करके गाया होगा ये देखिए। गाना न आया बजाना न आया, दिलबर को अपना बनाना न आया। गाना न आया बजाना न आया, दिलबर को अपना बनाना न आया। हाँ कहीं सा है कहीं रे है कहीं गामा पाधानी है, कहीं भागेश्वरी की बहन कहीं जय जयंती की नानी है। आए बोझा सात सुर का हमसे बाप रे, उठता भी तो क्यों उठता। हमें एक सुर भी हिलाना न आया, हमें एक सुर भी हिलाना न आया, दिलबर को अपना बनाना न आया। गाना न आया बजाना न आया, दिलबर को अपना बनाना न आया। हाँ गाना न आया बजाना न आया, दिलबर को अपना बनाना न आया। तो when you see this performance, हमको ये भी सोचना होता है कि जब गाना रिकॉर्ड होता है तब ये कुछ होता नहीं, this does not exist, और ये सोच के गाना पड़ता है कि परफॉर्मेंस क्या रहेगी। इसके लिए बहुत क्रिएटिविटी चाहिए। तो उनकी इन अदाओं की लड़कियां दीवानी थी। छोटी उम्र में उनको अभिनेत्री और गायिका रूमा देवी से प्यार हो गया। किशोर कुमार थे 21 साल के और रूमा देवी थी 16 साल की। उस जमाने के हिसाब से प्रपोजल बड़ी आसानी से निपट गया। 1950 रक्षाबंधन के दिन रूमा देवी उनको रक्षा बांधना चाहती थी, पर किशोर कुमार ने इनकार कर दिया और इस तरह से प्रपोजल हो गई, प्रेम कहानी शुरू हो गई। तो 1950 में शुरू हुए इस प्रेम को याद करते हुए एक रोमांटिक गीत सुनते हैं। मेरा तो धीरेन भाई रोम रोमांटिक हो चुका है, लेकिन आप अभी भी रोमांटिक दिखाई दे रहे हो,
और खास करके जलपा बहन के साथ बैठे हो तो खास। तो जलपा जी और धीरेन दोनों मिलके एक बड़ा प्यारा सा ड्यूएट उनकी किशोर कुमार की जो पहली शादी थी उसकी याद में। हमने बोला कोई चारा ही नहीं है, छुटका ही नहीं है, रोमांटिक दिखना ही पड़ता है। ओके सो दिस इज अ वेरी फेमस सॉन्ग तेरे मेरे मिलन की है। हेलो हेलो हेलो, चेक 1 2 3 चेक। Yeah.
धीरेन भाई ने कहा कि तभी तो चंचल है तेरे नैना, और इशारा भी किया देखो ना। तो हमारे गुजराती शायर ने बड़ी रियलिस्टिक बात कही है कि प्रथम आंखों तमारी ठीक लागी, ठीक ही लगी, प्रथम आंखों तमारी ठीक लागी, तमारा सम पची बहु बीक लागी। तो नहीं लागती बिल्कुल ट्रांसलेशन ना, पण लेट मी इंटरप्ट यू लिटिल बिट। રહીશ ભાઈ ને હું પર્સનલી નહોતો મળ્યો, પણ એમનું એક બહુ ફેમસ લખેલું ગીત છે ગુજરાતીમાં, ભાઈ બોબી થોડા થોડા સમજને લખો ગુજરાતી, તો આઈ એમ કાઇન્ડ ઓફ વેરી પોપ્યુલર એમંગ ઓલ્ડર જનરેશન, તો એમણે એક બહુ સુંદર ગીત લખ્યું છે, રહીશ તો વીતેલા મિલેનિયમનો માણસ, તો ન રાની, તો જો કોઈ પેલા 75 વર્ષના ને મોટા હોય તો એમ કે ના રાની ને કાજોલ ના ટ્વિંકલ ના તબ્બુ, ન રાની ના કાજોલ ના ટ્વિંકલ ના તબ્બુ, કરિશ્મા નહીં ને કરીના કદી નહીં, આઈ ડોન્ટ નો વાય કદી નહીં, સમથિંગ હજુ તો એમને નરગીસ સપનામાં આવે, રહીશ તો વીતેલા મિલેનિયમનો માણસ, કિશોર કુમાર કે જીવન મેં ડેઢ હી સાલ મેં સાકાર હો ગઈ, અમિત કુમાર કા જન્મ હુઆ 1952 મેં, મુજે કિશોર કુમાર કે બારે મેં બાત કરને મેં તમે પણ જોજો જરા ત્યાં જઈને જોજો આ ગીત, બાપ રે બાપ નામ કે એક ફિલ્મ આઈ થી जिसमें ओपी नैयर का संगीत था, आपने शायद एक किस्सा सुना होगा किस्सा कि इस गीत के रिकॉर्डिंग के वक्त आशा जी से गलती हो गई, भूल हो गई, जो अंतरा किशोर कुमार को गाना था वो गलती से आशा जी ने शुरू कर दिया, आशा जी ने गाना शुरू ही किया था कि उनको पता चल गया कि गलती हो गई तो वो रुक गई, गलती हुई थी फिर भी रिकॉर्डिंग कंप्लीट कर दिया गया, अब ओपी रिटेक करवाना चाहते थे, किशोर कुमार ने कहा कि रहने दो फिल्म का हीरो मैं हूं, जब शूटिंग करूंगा मैं संभाल लूंगा, तो किशोर कुमार ने कैसे संभाला ये आप वीडियो में देखेंगे, जैसे ही हीरोइन गलत जगह पे गाना शुरू करती है तुरंत किशोर कुमार उसके मुंह पे हाथ रख के खुद गाना गाने लगते हैं, तो ऐसी अद्भुत सेंस थी उनके पास, देखिए ये गीत। हमें पुकारे तुम तो बची हो गोरी मन में हमारे, तुम तो बची हो गोरी मन में हमारे, पिया 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 गलत जगह पे हीरोइन ने गाना चालू कर दिया था, उन्होंने रोक के, ये गलती जो है रिकॉर्डिंग के टाइम पे हुई थी और उन्होंने शूटिंग के टाइम पे उसको एडजस्ट कर लिया, तो रूमा देवी से शादी करने की वजह से उनको घर छोड़ना पड़ा, अब किशोर कुमार चाहते थे कि रूमा देवी ब्रेक ले और बच्चे की परवरिश को पूरा वक्त दे, और रूमा देवी उस जमाने की औरत नहीं थी, उनको भी फिल्मों में काम करना था, गाना था, अभिनय करना था, तो दरअसल अमिताभ और जया की अभिमान फिल्म की जो स्टोरी है
ये स्टोरी रुशिदा ने प्रेरणा इनकी जिंदगी से ली थी। आखिरकार फासले बढ़ते गए और 1958 में डिवोर्स हो गया। आयरनी ये थी कि शादीशुदा जीवन के संघर्षपूर्ण कठिन 6 साल एक अभिनेता और गायक के रूप में किशोर कुमार के लिए सबसे सफल पीरियड था। मधुबाला ने एक बार रूमा देवी को मजाक में कहा था कि रूमा इसे छोड़ना नहीं तो मैं इससे शादी कर लूंगी। और हुआ यूं कि इसी अरसे में दोनों का ब्रेकअप हुआ और दोनों को मधुबाला और किशोर कुमार को बैकअप भी मिल गया ब्रेकअप के बाद। तो वैसे भी ऑन स्क्रीन किशोर कुमार और मधुबाला की जोड़ी हिट थी। एक सीन और उसके साथ जुड़े हुए गीत में इनकी केमिस्ट्री की एक झलक देखते हैं। अगर मैं सच बोलता तो आप यकीन कर लेती? Of course, जरूर करती। तो अब कर लीजिए, मैं आपसे प्यार करने लगा हूँ। क्या? मैं आपसे प्यार करने लगा हूँ। My God! देखो, तुम अभी-अभी यहाँ से चले जाओ, आइंदा मुझे अपनी मनुष्यता मत दिखा। देखा, ये हुआ सच बोलने का नतीजा। जाता हूँ। मगर इतना याद रखिएगा कि किस्मत में मिलना लिखा होगा तो फिर मिलेंगे, जैसे 2 बार मिल चुके हैं। जाता हूँ। एक बात और, अब तक मैं हाफ टिकट हाफ मैच और हाफ मैन, अब अगर कभी मिले तो फुल समझिएगा। ये राज दिल तुम जानो के ना जानो, अरे जानो के ना जानो। तो इसी जोड़ी का एक और गीत देखते हैं। जी नहीं, देखना नहीं, सुनना है। कौन सी फिल्म थी, चलती का नाम गाड़ी, उस फिल्म का एक बहुत ही प्यारा सा गाना। जैसे आजकल शूटिंग होता है तो लोग स्विट्जरलैंड चले जाते हैं, इसराइल चले जाते हैं, कहीं कहीं पे शूटिंग करते थे। ये गाना गराज के अंदर शूट हुआ, लेकिन इससे बेहतर कोई रोमांटिक गाना मैंने हिंदी फिल्मों में देखा नहीं। धीरेन से सुनते हैं। मिली एक अजनबी से कोई आगे ना पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। एक लड़की भीगी भागी सी, सोती रातों में जागी सी। मिली एक अजनबी से कोई आगे ना पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। लड़की का भी दिल ही दिल से चली जाती है, बिगड़ी बिगड़ी चली आती है। दिल ही दिल से चली जाती है, बिगड़ी बिगड़ी चली आती है। धुंधलाती हुई बलखाती हुई सावन की सुनी रात में, मिली एक अजनबी से कोई आगे ना पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। एक लड़की भीगी भागी सी, सोती रातों में जागी सी। मिली एक अजनबी से कोई आगे ना पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। तो बढ़िया, बहुत अच्छे। तो दुर्भाग्य से शादी के बाद मधुबाला हार्ट की बीमारी की वजह से बेड रिडन ही रही। उन्हें वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट नाम की बीमारी थी। और शादी के पहले ही किशोर कुमार को मालूम था कि मधुबाला ज्यादा साल जीने वाली नहीं है, फिर भी उसका साथ देने के लिए उन्होंने शादी की। 1960 में शादी हुई और 1969 में मधुबाला का अवसान हुआ।
इस तरह से किशोर कुमार का दूसरा प्रेम भी रंग नहीं ला पाया, तब मुनीम जी फिल्म का ये गाना मुझे याद आ रहा है, जो कि अब धीरेन सुनाने जा रहे हैं, डॉक्टर धीरेन भुज। जीवन के सफर मेरा ही मिलते हैं बिछड़ जाने को और भेजाते हैं यारे तन्हाई में तड़पाने को। जीवन के सफर मेरा ही मिलते हैं बिछड़ जाने को और भेजाते हैं यारे सफर मेरा ही मिलते हैं बिछड़ जाने को और भेजाते हैं यादें तन्हाई में तड़पाने को। तो थैंक यू, बहुत अच्छे, क्या बात धीरेन भाई, जोरदार तालियां हो जाए धीरेन भाई के लिए और हमारे सामने जो सज्जन थे। तो उनकी दो पत्नियों की बात मैंने कर ली, दो बाकी है, मेन मेन तो इतनी है, पर एक अब दूसरी इंटरेस्टिंग बात मेरे जहन में आ रही है। किशोर कुमार ने 88 फिल्म 88 मूवीज बतौर हीरो उन्होंने काम किया है, ज्यादातर 50s और 60s में ये फिल्में बनी और इस दौरान 8 बार मोहम्मद रफी ने किशोर कुमार को प्लेबैक दिया। किशोर कुमार खुद एक बड़े सिंगर थे पर उन्होंने कभी जिद नहीं की कि मेरा गाना मैं ही गाऊंगा। फिल्म रागिनी का रफी साहब की आवाज में किशोर कुमार पर फिल्माया हुआ गीत देखिए। मन मोरा बावरा किशोर कुमार खुद हीरो थे, उन्होंने रफी साहब को आग्रह करके ये गीत गवाया। रफी साहब ने भी कहा कि मेरे गायक भाई के लिए जो गाना है तो मैं पेमेंट नहीं लूंगा, इस गाने का पेमेंट रफी साहब ने नहीं लिया था।